तो फिर से स्वागत है सबको टेक्निकलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सेल का वैकेंसी निकले हैं आईटीआई स्टूडेंट्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो खास करके आप लोग देखिएगा कि ये इम्पोर्टेंट डेट के बारे में और कौन सा ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या उसका पूरा नोटिफिकेशन हम बताएंगे और इसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम बताएंगे। इसको स्टील प्लांट का वैकेंसी निकल कर आया है और इसमें कौन सा ट्रेड है आप लोग देख सकते हैं। फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, टर्नर का है, क्रेन ऑपरेटर है, वेल्डर है एंड हेवी व्हीकल ड्राइवर का है। इसमें कितना कितना पोस्ट दिया है आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर अनरिजर्व का कैटेगरी का दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी मतलब सभी का ये छूट दिया गया है, रिजर्वेशन इसमें अलाउ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा के बारे में, डिप्लोमा यहाँ पर बॉयलर ऑपरेशन बॉयलर अटेंडेंट यहाँ पर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 30 ईयर्स ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास करना होगा, उसके बाद 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा करना होगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल और पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन। इसी ट्रेड से अगर आप लोग डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईटीआई स्टूडेंट्स का अगर बात करें, अटेंडेंट काम टेक्नीशियन सभी के लिए 28 साल उम्र दिया गया है। आप लोग अगर 28 साल के अंदर यूआर है मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ओबीसी हो एससी एसटी हो तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। आपके लिए क्या चाहिए आप लोग देख सकते हैं, अटेंडेंट काम टेक्नीशियन के लिए मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास करना होगा और उसी ट्रेड से आईटीआई करना होगा यानी फिटर से इलेक्ट्रीशियन से टर्नर से जिस जिस ट्रेड का यहाँ पर वैकेंसी आया है तो उसी ट्रेड में आपको आईटीआई करना है। तो यहाँ पर और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से करना है। गाइडलाइंस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है इसका एज रिलैक्सेशन के बारे में बताए तो एज रिलैक्सेशन जैसे सेल का रहता है 3 ईयर्स ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी जो है उसके लिए 10 ईयर्स का छूट दिया गया है। और सैलरी स्केल के बारे में अगर बात करें तो बॉयलर ऑपरेटर के लिए S3 जो है उसमें 26,600 से 38,920 रुपीज दिया जाएगा और ईयरली 3% इंक्रीमेंट दिया जाता है। और आईटीआई स्टूडेंट्स के बारे में बताएं तो आईटीआई स्टूडेंट अटेंडेंट काम टेक्नीशियन उसके लिए 25,000 से 35,000 तक सैलरी दिया गया है और उसका भी 3% इंक्रीमेंट है। और इसमें अटेंडेंट काम टेक्नीशियन जो है उसमें 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा। 2 साल का ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को छूट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को लिया जाएगा, आपका फुल जो कंपनी का पेरोल है उसी में आपको लिया जाएगा। तो उसमें फर्स्ट ईयर में आपको दिया जाएगा 12,900 और सेकेंड ईयर में 15,000 दिया जाएगा आपको अटेंडेंट काम टेक्नीशियन जो वैकेंसी है उसके अंदर। आपको अगर परीक्षा के बारे में बताएं तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा यानी सीबीटी एग्जाम होगा पहले, तो सीबीटी एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट यानी टेट टेस्ट आपको देना होगा। तो पहले जो सीबीटी एग्जाम दोगे उसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसी से आपका जो मेरिट है मेरिट बनेगा। जो सीबीटी जो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रहेगा वो आपका रहेगा क्वालिफाइंग नेचर जैसे रहता है उसी टाइप का आपका रहेगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट आपको बुलाया जाएगा तभी आपको अगर मेरिट होता है सीबीटी एग्जाम के आधार पर। तो सीबीटी एग्जाम आपको अच्छे से देना होगा और इसका रेशियो के बारे में बताएं तो जो ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 1:3 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको लिया जाएगा। जिसका सीबीटी एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा रहेगा उसको ही लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन पे। और यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का कुछ बताया गया है। हाइट जो मेल कैंडिडेट के लिए है वो 155 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर दिया गया है। वेट मिनिमम आपको रहना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 45 किलो और फीमेल के लिए 35 किलो आपको होना चाहिए। ये आपका जो अटेंडेंट काम टेक्नीशियन हो या फिर ऑपरेटर काम टेक्नीशियन किसी भी पोस्ट के लिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड आपको रहना जरूरी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फीस के बारे में यानी आपको जो एप्लीकेशन फीस है फीस के बारे में बताएं तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है उसके लिए 500 रुपया है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग जो है उसके लिए 300 रुपया है। अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी हो तो आपको छूट दिया जाएगा यानी 150 रुपया लगेगा डिप्लोमा के लिए और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपया ही सिर्फ लगेगा आपको एप्लीकेशन फीस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, इसके भी वीडियो हम कल लाएंगे तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नीचे दिए गए टेलीग्राम जो चैनल है हमारा चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर सब कुछ लिंक वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हाउ टू अप्लाई के बारे में अगर बताएं तो कैसे अप्लाई करना है, पहले इस साइट पर जाना है, कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस हमने बनाया है तो उसको भी अपलोड कर दूंगा तो आप लोग वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम दिखाएंगे उसी वीडियो में।
तो प्रोसेस ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, यानी इसी साइट पे जाना है और पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करके आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ डालना है, उसके बाद आपको फिर से एप्लीकेशन को भरना है, एड्रेस वगैरह देना है, बस आपको वहां से कॉम्प्लीट हो जाएगा। कितना दिन तक आपको एप्लीकेशन करना है, यानी स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन 29 तारीख से स्टार्ट हो चुका है दिसंबर से, और क्लोजिंग डेट है 18 जनवरी 2024 का, तो उसी के अंदर आपको अप्लाई करना है। आप जल्दी जल्द आज या फिर कल ही अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि 18 तारीख से पहले अप्लाई करना है। अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। जैसे कि पश्चिम बंगाल के हो तो कोलकाता में एग्जाम सेंटर रहता है, बिहार का हो तो पटना में रहता है, तो झारखंड में हो तो रांची में रहता है, तो इसी तरह हर एक स्टेट का जो मेन मेन सिटी रहता है वहाँ पर एग्जाम का जो सेंटर है दिया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, और इसका सिलेबस के बारे में, कैसे एप्लीकेशन करना है, और हाल ही में DSP में अप्लाई एप्लीकेशन निकल कर आया है तो उसका भी वीडियो हम लाएंगे, तब तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो आते रहते हैं, किसी भी अपडेट आते हैं, तो इसके लिए आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।